शुक्ला मिस्त्री एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है खुश हुआ है और साथ में हमारे कल्याण केंद्र के सचिव ये आज रिफाइनरी के अंदर जो बच्चों को एक से आप फिट इंडिया का जो स्लोगन है उसके तरह खेलो इंडिया फिट इंडिया आज बेगूसराय उसमें अपने आप को आगे करने का काम किया रिफाइनरी एसोसिएशन की ओर से। ये जिसको देसी भाषा में हम लोग कहते हैं कराटा जूडो इसका एक प्रतियोगिता का कार्यक्रम रखा है। ये युवाओं में टेक्निकल नाम जो बोला जाए लेकिन गांव की भाषा में जो हम बोलते हैं तो आज देखा कि बच्चों में और अभिभावक में दोनों में उत्साह है। दुनिया में पहली बार भारत ने इतना गोल्ड मेडल लिया है ये प्रधानमंत्री की सोच के कारण। नहीं ये कल्याण केंद्र के द्वारा बेगूसराय जिला का ताइक्वांडो प्रतियोगिता थी और इसके जो उद्घाटन कार्यक्रम था बहुत ही अच्छा लगा। इसमें तकरीबन 200 बच्चे भाग ले रहे हैं 4 कैटेगरीज में और अभी एक मैच यहाँ पर देखा भी गया और ये उद्घाटन के दौरान मेनली जो हम लोगों को लगा और मैं आप लोगों के माध्यम से बच्चों को संदेश भी देना चाहता हूँ कि आज के समय पे किसी प्रकार का भी खेल जो आउटडोर एक्टिविटी है गार्जियंस और शिक्षक को ये करना चाहिए कि बच्चों में वो भावना जगाएँ कि लोग उस तरफ ज़्यादा बढ़ें। क्योंकि आजकल के मोबाइल और इंटरनेट के ज़माने में पाया जा रहा है कि सभी बच्चे मोबाइल और इंटरनेट में ही लगे रहते हैं। हालांकि इसमें ज्ञान का भंडार है लेकिन उसका बहुत लिमिटेड प्रयोग करना चाहिए और आउटडोर एक्टिविटीज आउटडोर गेम्स हमेशा बच्चों के बीच प्रेरित करना चाहिए और ताइक्वांडो को हम समझते हैं कि सेल्फ डिफेंस के लिए भी क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा बच्चों के लिए विशेष तौर पर और इसलिए पूरा यहाँ पे कल्याण केंद्र को और जिला ताइक्वांडो